रहे हैं बेरोजगार युवा एक दफा फिर पहुंचे हैं विधानसभा का घेराव करने के लिए। देखिए पिछले कई महीनों से रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं हो पाया है। लगभग ये 40 से 44 के करीब विभिन्न ऐसे पोस्ट कोड्स हैं जिनका जिम्मा लोक सेवा आयोग के अधिकारियों को दिया गया था कि रिजल्ट जल्दी घोषित किया जाए, लेकिन कितनी ज्यादा देरी इसमें और लग जाएगी यही सवाल बेरोजगार युवाओं की ओर से उठाया जा रहा है। बड़ी बात यह भी है कि विजिलेंस जांच जिन पोस्ट कोड्स पर चल रही है उन्हें लेकर भी कोई क्लैरिटी सरकार की ओर से नहीं दी जा रही है, तो ऐसे में युवा काफी हताश है। आइए इनसे बात करना चाहेंगे क्योंकि पिछले कल से लेकर ये चौड़ा मैदान में इसी तरह से बने हुए हैं और सरकार की ओर से कोई भी नुमाइंदा अभी तक इनकी परेशानी को जानने के लिए यहाँ नहीं आया। अब फिलहाल आश्वासन तक इन्हें नहीं दिया जा रहा है। हालांकि सीएम सुक्खू से जब इस संदर्भ में हमने पहले बातचीत की थी तो उनका यह जरूर कहना था कि लोक सेवा आयोग को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि जल्द रिजल्ट घोषित किया जाए, लेकिन कब तक होगा फिलहाल इसे लेकर पिछले 8 महीनों से इंतजार बना हुआ है। सर क्या कहना चाहेंगे, कब से लेकर यहाँ इस तरह से खड़े हैं और कितने महीने गुजर चुके हैं? सबसे पहले नमस्कार और मीडिया का धन्यवाद जो हमारी बात को सुना रहे हैं। हम आज जहाँ शिमला पहुँचे हैं, हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो है विजिलेंस जांच में फंसी हुई भर्तियों के जो रिजल्ट हैं उनको निकालने की गुहार हम सीएम साहब से लगा रहे हैं। कल हम सीएम साहब से मिले थे, उन्होंने फिर से हमें आश्वासन दिया जिससे हमारा मानसिक बल कम हो रहा है। और मैं कौन से पोस्ट कोड के हैं? हम सारे पोस्ट कोड के लोग यहाँ पहुँचे हैं। और कौन से पोस्ट कोड के हैं? मेरा पोस्ट कोड 980 है और मैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से, मेरा नाम मोहिंदर शर्मा है। विजिलेंस जैसे ही हमारा टेस्ट हुआ तो उसके तुरंत बाद स्क्रीनिंग रिजल्ट जब आया तब ही अगर ये धांधली हुई होती तो सरकार इसको कैंसिल कर सकती थी। हमारा स्क्रीनिंग रिजल्ट का टेस्ट का जो रिजल्ट है वो निकल चुका है। हमारा जो प्रोसेस है वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे पहुंचा है। 9 महीने से एक फंदा हमारे गले में डाला हुआ है जो जिसके कारण मतलब हम बहुत कष्ट में हैं। इस तरह से फंदा इस तरह से है कि हमें कभी भी लटकाया जा सकता है। तो मेरा मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि आप रिजल्ट को निकालिए और स्थिति को क्लियर करने का प्रयास करिए। स्थिति हमें ये बताइए कि हमारे रिजल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ये पोस्ट कोड 980 ड्राइंग मास्टर्स का है, कितने अभ्यर्थी हैं लगभग और क्या केवल 980 के अभ्यर्थी आए हैं या विभिन्न पोस्ट कोड के? इसमें पोस्ट कोड 980 में सिर्फ एक अभ्यर्थी जो विजिलेंस वालों ने बताया है सिर्फ वही पकड़ी गई है, उसकी भी जमानत हो गई है। दोषी बाहर छूट रहे हैं और जो निर्दोष हैं वो सड़कों पे मारे मारे फिर रहे हैं। सरकार में जितने भी लोग शामिल हैं मुख्यमंत्री के साथ, सरकार में जितने मंत्री हैं, जितने विधायक हैं, मैं सबसे यही उम्मीद करता हूं, सबसे यही मांग करता हूं कि हमारे मुद्दे को अच्छे से मुख्यमंत्री जी के सामने समक्ष प्रस्तुत किया जाए, हमारे साथ न्याय किया जाए, हमें रास्ता बताया जाए कि हमारे रिजल्ट जो हैं आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इस तरह से बात बिल्कुल भी नहीं बनेगी। अभी हमने ये संघर्ष जारी किया है, अभी धीरे धीरे। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना से जब हमने बात की थी तो उनका ये कहना था कि विजिलेंस जांच के दायरे में जो पोस्ट कोड्स हैं उन्हें लेकर स्थिति स्पष्ट इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि बाद में अगर बड़ी संख्या सामने आती है पेपर लीक होने को लेकर तो आप ही युवाओं को फिर दोबारा से समस्या आएगी। इसके लिए हम प्रोविजनल ज्वाइनिंग के लिए तैयार हैं मैम। अगर मुख्यमंत्री जी प्रोविजनल ज्वाइनिंग करने के लिए तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं। कल को अगर हम में से कोई भी विजिलेंस जांच में अगर दोषी पाया जाता है तो उससे एफिडेविट लिया जा सकता है, उसको नौकरी से निकाला जा सकता है। अगर विजिलेंस जांच सही से कर रही है तो दोषियों को पकड़ा जा सकता है। अगर विजिलेंस जांच नहीं कर पा रही है तो जो जांच एजेंसी है मुख्यमंत्री जी उसको बदल सकते हैं। हम अगर यहाँ हिमाचल से जांच नहीं हो पाती है तो मुख्यमंत्री जी दिल्ली से कोई भी जांच एजेंसी बुलवाएं और जांच करवाएं। जितने दोषी हैं उनको सजा दीजिए। दोषी बाहर घूम रहे हैं और हम यहाँ पे मारे मारे सड़कों पे। कल से हम परसों रात से घर से चले हैं और हमें आज तीसरा दिन है। क्या लग रहा है, अभी एक फैसला भी आपके लिए हुआ था कि आयु सीमा में छूट दे दी जाएगी जिनकी भर्तियां फंसी हुई हैं? आयु सीमा से हमें कोई लेना देना नहीं है मैम। आपका कौन सा पोस्ट कोड है मैम? वैसे तो हमारा सब ये पोस्ट कोड है जो अंडर विजिलेंस इंक्वायरी में है। हमारा को मतलब नहीं है, हम है एक। हमने पहले भी अलग अलग पोस्ट कोड के लिए हमने लड़ाई की अपने अपने पोस्ट कोड के लिए। जब हमें लगा कि हमारी सरकार कोई नहीं उठा रही है, हमारे पर कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है, तो हम सारे जितने भी पोस्ट कोड है अंडर विजिलेंस है, 13 पोस्ट कोड है, हम सारे इकट्ठे हुए हैं और हम
कल से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हमारी हड़ताल ऐसा नहीं है कि सीएम को ये बात पता नहीं है, किसी मंत्री मिनिस्टर को ये बात पता नहीं है, सबको पता है कि क्या मुद्दा है कि क्या मुद्दा नहीं है, लेकिन ये हमारे मुद्दे को आगे नहीं ले जाना चाहते हैं, ना हमारे कोई क्लियरेंस करवाना चाहते हैं। हमारे को नहीं है मतलब कि हमें आयोग बनाए चाहे नहीं बनाए, हमारे को नहीं है मतलब हमीरपुर आयोग बनाए इन्होंने हमारे लिए कोई राज्य चाहे आयोग बनाए, हमारे को उससे कोई मतलब नहीं, हमारे को चाहिए हमारे पेंडिंग रिजल्ट जिसके लिए हमने तैयारी की, हमने मेहनत की, हमारे को अपनी मेहनत चाहिए बस। क्या सुझाव आप देंगे जो विजिलेंस जांच चल रही है पोस्ट कोड्स पर, इसमें आपकी तरफ से क्या सजेशन है, कैसे फिर कंडीशनल नियुक्ति दे? हमें तो कोई पता ही नहीं है विजिलेंस की कहां तक जांच क्या है, हमें तो लगता है मुख्यमंत्री विजिलेंस इनसे मिले हुए है ऐसा लग रहा है। अब हम तो अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं कि कांग्रेस सरकार हमको ठग रही है, ठग ऐसे रही है कि क्योंकि कभी क्या बोलते हैं कभी क्या बोलते हैं, उससे हमारे को कोई मतलब नहीं है। हमारे को चाहिए हमारी लड़ाई है अपने पेंडिंग रिजल्ट, बाकी जो विजिलेंस की इंक्वायरी में फंसे विजिलेंस कहां से हुई आज तक, उन्होंने जब पहले बताया विजिलेंस के पास केस गए, उन्होंने बोला कि हम 90 दिन में केस दे देंगे, आज 9 महीने हो गए, कहां है सीएम साहब, कहां है, अब बात क्यों नहीं करते हो? हमारा आपसे भी निवेदन है, मीडिया से भी निवेदन है कि जब वो बोलते हैं तो उनसे ये क्वेश्चन भी किया जाए कि आपने 90 दिन का टाइम दिया, 30 दिन में रिजल्ट निकालने को बोला, 7 दिन में रिजल्ट निकालने को बोला, 90 दिन को रिजल्ट तो क्यों नहीं आए, ये हमारा आपसे भी निवेदन है कि उनसे ये क्वेश्चन किया जाए। आपके कुछ लोग गए अभी सरकार से बात करने? हमारे कल भी लोग गए थे, बस हमें वही बार 10 बार हमारे लोग मिल चुके हैं आज से 9 महीने में 10 बार लोग मिल चुके हैं 15 बार, वो हमें वही रिस्पॉन्स मिलता है, हमें कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, बस वही है कि हाँ कर रहे हैं, हम बात करेंगे इसके बारे में, सोच रहे हैं, तो कब तक सोचेंगे? कौन सा पोस्ट कोड है आपका? हम 962 पोस्ट कोड के हैं। तो क्या लग रहा है अभी इतना समय क्यों लग रहा है? हमारी यही डिमांड है, हमारे में एक कोई भी हमारे में बच्चा पाया नहीं गया पोस्ट कोड में, शरीर एक ढाबे का आदमी पाया गया है और उस पर ही एफआईआर हुई है और हमारी ऐसे जांच चल रही है, हम चाहते हैं कि क्लैरिटी चाहते हैं कि हमारा फाइनल रिजल्ट घोषित हो जाए बस, जो भी हमारी विजिलेंस जांच में एग्जाम चल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए फिलहाल इनकी ओर से ये बात कही जा रही है कि एक की सजा सभी को क्यों सुनाई जा रही है, अब एक या दो लोग ऐसे पाए गए हैं जिन्होंने पेपर खरीदा है या पेपर बेचने का काम किया है, तो सैकड़ों अभ्यर्थियों को उसकी सजा जो दी जा रही है उससे ये सहमत